गाइस 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 मतलब इस बार का जो गेमिंग कम्युनिटी है ना भाई, कुछ ज्यादा एक्टिव देखने को मिल रहा है। मतलब भाई एक ही बार में इतनी सारी चीजें। हाँ यार, मतलब 2023 का गेमिंग कंटेंट तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, ऑसम होने वाला है। हाँ भाई, कुछ ऐसा ही हुआ है। देखो पिछले साल 2022 में तो गेम को रिलेटेड पूरा सत्यानाश हो गया, मतलब खत्म हो गया था, लेकिन इस साल 2023 में गेम कुछ ज्यादा ही होने वाला है। हाँ मैं बताता हूँ। पहला देखो, पिछले साल 2022 में फ्री फायर नॉर्मल वाला जो कि बैन हो गया था, वो हम इसे खेल नहीं सकते। फ्री फायर हम मैक्स खेल रहे हैं, बट उसमें एक डेट कहने के हमें देखने को फिलहाल मिला था कि 22 मार्च को कुछ उसके अंदर होने वाला है। एंड देखना यह है कि होता क्या है उसके अंदर, क्या वापस आता है या फिर वैसा ही रहता है। एंड दूसरा, हम जो फ्री फायर पहले खेलते थे, ओल्ड फ्री फायर, उसे लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। एंड फाइनली वो गेम भी वापस आ रहा है, एंड हमें 22 मार्च को वो गेम भी देखने को मिलने वाला है, हमारा प्यारा ओल्ड फ्री फायर, जिसके लिए हम कुछ ज्यादा एक्साइटेड थे। एंड तीसरा, अपने इंडिया का नया बैटल ग्राउंड गेम भी लॉन्च होने वाला है 2023 में, जिसका नाम है इंडस। एंड इसके बारे में मैंने फुल वीडियो बनाया था, गेम कैसा होने वाला है, क्या इसकी स्टोरी होने वाली है, कैसा गेम प्ले होने वाला है। एंड इस वीडियो को तुमने नहीं देखा होगा, एक बार जाके जरूर देखना, काफी मजेदार एंड खतरनाक सा वीडियो है, तो देखना जरूर अगर नहीं देखे हो तो। एंड चौथा ना भाई, एक और गेम आने वाला है जिसका नाम होने वाला है, यार उससे पहले तुम इसको ट्रेलर देखो। ये ट्रेलर देख के लग रहा है ना ये इंडिया का अपना गेम है, यार देखो ये इंडिया का गेम है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ज्यादा ऑसम चीज ऐड होने वाली है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, मतलब खतरनाक यार, भाई पूछो ही मत। तो इस गेम का नाम है स्कारफॉल। हाँ, तुमने नाम सुन के याद आ गया कि हमने इस गेम को पहले भी प्ले किया था, शायद तुमने भी खेला होगा। बट अगर तुम इस वाले गेम को अभी डाउनलोड करके प्ले स्टोर पे जाते हो ना, ये गेम तुमको वहां पर देखने को नहीं मिलेगा, ये गेम प्ले स्टोर से हटा दिया गया। हाँ, लेकिन रुको, ऐसा नहीं कब हटा दिया, इसे बैन कर दिया गया, ये भी बैन हो चुका। नहीं रे भाई, कुछ ज्यादा ही खतरनाक होने वाला है इसके अंदर। तो इस वाले गेम को ना प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया, एंड इसका आने वाला है स्कारफॉल 2.0, मतलब इसका एक नया वर्जन, और उसके अंदर एक नया मैप ऐड होने वाला है, जो जानो किसका भाई, अपना मुंबई का मैप, इंडिया का जो मुंबई फेमस है ना, उसका पूरा का पूरा डिटो लोकेशन वगैरह सब कुछ इस मैप, इस गेम के अंदर ऐड होने वाला है। भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा मैं भी इस गेम के लिए। मतलब यार देखो, अपने इंडिया का जो मैप होता है, एंड उसकी गलियों में घूम के इधर उधर गेम खेलने में जो फील आएगा ना, तुम लोगों को फील भी नहीं, सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा मजा आता है। एंड इस वाले ट्रेलर में तुमको दिख रहा होगा इसकी इंडिया का मैप्स वगैरह, काफी सारे लोकेशन ऐड होने वाले, एंड हर एक जगह पे तुमको वो फील आएगा ना कि हाँ सच में एक इंडिया का गेम है, और ये भी एक अपना इंडिया का गेम है। पता होगा स्कारफॉल अपने इंडियन भाइयों ने बनाया, मतलब ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया गेम है, तो खेलने में तो मजा आएगा ही गाइस। और ये गेम को इसलिए प्ले स्टोर से भी हटाया गया है ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गाइस उस गेम पे फोकस कर सके स्कारफॉल 2.0 के लिए। एंड उसके अंदर पूरा मुंबई का मैप भी रेडी है। एंड फिलहाल में गाइस इन दोनों गेम के, मतलब एक इंडस गेम आ रहा है एंड एक दूसरा वाला ये स्कारफॉल 2.0, इन दोनों प्ले टेस्टिंग भी रखा गया था गुजरात में, काफी सारे प्लेयर वहां पे गए भी थे इसे खेलने के लिए, देखने के लिए क्या क्या इसके अंदर नया चीज है, कैसा ही होने वाला है। भाई जिसने भी ये खेला ना गाइस, पूरा का पूरा ही ऑसम है। चलो मैं थोड़ा बहुत ना उस गेम प्ले दिखाता हूं, एंड दिखाता हूं इस गेम का आखिर में ऐसा क्या क्या ऐड हुआ है, जो कि देने वाला है एक इंडियन देसी लुक सा। और इसके अंदर मैप्स तो, मतलब मैप के तो पूरी तरह दीवाने हो जाओगे, मुंबई का मैप है तो सोच सकते हो मुंबई के कितने खतरनाक से खारे लोकेशन है ना, सब कुछ गेम के अंदर ऐड होने वाले। तो गेम का लॉबी में कुछ कैरेक्टर वगैरह है ना, तो कुछ ऐसे होने वाले, देख लो यार, कैरेक्टर इजिप्शियन वाले, एंड कुछ तो ये भाई पंजाबी लुक वाले, तो मतलब तुमको अंदर जितने बंडल्स मिलेंगे ना, सबके सब देसी लुक वाले, तो देसी था पूरा का पूरा ही फील होने वाला है। पुलिस वगैरह मतलब ड्रेस गजब के होने वाले। एंड व्हीकल में बात करें, अपना टुकटुक, यार मुंबई की गलियों में तुम टुकटुक लेके घूमोगे तो क्या ही फील आएगा ना। एंड भाई इसे देखो, नींबू मिर्ची, यार मतलब सीरियसली गेम के अंदर नींबू मिर्ची भी ऐड कर दिया गया इन लोगों ने, एंड पता नहीं किस चीज का स्किन होगा या फिर, बट पता होगा हर दुकान एंड घरों में नींबू मिर्ची तो टंगे ही होते हैं, एंड उसके रिलेटेड गाइस ये नींबू मिर्ची भी गेम के अंदर है। एंड काफी सारे गन्स के स्किन है, ऐसा नहीं है कि गन के स्किन नहीं, तगड़े वाले यार, फ्री फायर थोड़ी इससे भी बेटर होने वाले गन्स के स्किन। एंड गेम की क्वालिटी तो कुछ ज्यादा खतरनाक। हाँ देखो, हमने बिना स्कारफॉल जो नॉर्मल वाला था, पहले था स्कारफॉल नॉर्मल, अभी जो नहीं है उसे प्ले किया था, काफी अच्छा था। एंड ये है गाइस वो मुंबई का मैप जो तुम लोग सामने देख रहे हो, वो भी ठीक था, बस उसके अंदर जो ग्राफिक्स हैं थोड़े बहुत कमी थे, वरना ये गेम बहुत जबरदस्त होने वाला था। लेकिन जो स्कारफॉल 2.0 आ रहा है ना, इसके ग्राफिक्स पूरे नेक्स्ट लेवल होने वाले, इतने तगड़े एंड खतरनाक ना, खेल के तो फैन हो जाओगे। एंड जिसने भी इस गेम प्ले को ट्राई किया ना, फैन किया ना, भाई वो लोग खुद इसकी तारीफ कर रहे हैं, भाई जब ये गेम आएगा ना तो
तबाही मचाने वाला है। तो इस गेम के कुछ गन्स की स्किन वगैरह, काफी सारे और भी गन है जो कि तुम देख सकते हो सामने, व्हीकल वगैरह सब कुछ मतलब एक देसी लुक के साथ होने वाला है। तो बात करें इसके लॉन्च की, यार ये कब लॉन्च होने वाला है, तो अभी पूरी तरह से कंफर्म डेट तो नहीं है, बट हाँ ये 2023 में ही लॉन्च देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यार सब गेम रेडी है, बस इसका एक मैप रेडी था एंड वो भी रेडी हो ही चुका है। तो मान कर तो गाइस इंडिया में कोई सेलिब्रेशन ऐसा कुछ होता है ना, तो उस टाइम भी गेम लॉन्च हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा। भाई बहुत एक्साइटेड मैं इस गेम को खेलने के लिए। चलो ये तो बात हो गई इस वाली गेम के लिए, मुझे एक और चीज बताना है तुम सभी को, हमारे जो फ्री फायर था अभी जो प्ले कर रहे हैं, इसका ओल्ड वर्जन आ रहा है, मतलब हमारे ओल्ड फ्री फायर देखने को मिलने वाला है। पर काफी सारे प्लेयर को लग रहा है ना कि हमारा जो इंडिया का सर्वर है जो कि अभी अलग हो चुका है पूरे इंडिया का, एंड पहले ऐसा नहीं था, पहले इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल तीनों एक ही सर्वर प्ले करते थे, हमारे फ्रेंड भी थे बाहर के सर्वर वाले, बट फिलहाल में गए जब बैन हुआ था उस टाइम पे सर्वर अलग हो चुके थे। एंड देखो फिलहाल में फिर से कहना है कि यार ये सर्वर फिर से एक होने वाले हैं, लेकिन गाइस रुको मैं बता रहा हूँ। देखो अब भाई लोगों को ऐसा लग क्यों रहा है, क्योंकि फ्री फायर की तरफ से कोई भी ऐसा बताया नहीं गया है। तो कारण यह है ना कि जब फ्री फायर का एक रिडीम कार्ड का, मतलब रिडीम करने के लिए हमें कोई मिलता है ना कोड वगैरह, हम उसे रिडीम करने के लिए गरीना के वेबसाइट पे जाते हैं एफएफ रिडीम वाला पे, एंड वहां पे जब जाओगे ना तो वो बंद हो चुका है, ठप हो चुका है, बंद हो चुका है मतलब काम नहीं करता, एंड उसी जगह पे तुमको गो का ऑप्शन मिलेगा क्लिक करने के लिए, एंड जब उस पर क्लिक करोगे तो एक नए वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, मतलब वो वाला बंद हो चुका है, नया इन लोगों ने एक और बनाया है रिडीम करने के लिए, रिडीम कोड वगैरह जो मिलता है उसे करने के लिए। एंड मुझे नहीं पता उससे क्यों बंद किए, बट हो सकता है क्योंकि यार काफी बार ऐसा हो चुका है ना कि कोई भी रिडीम कोड मिलता है, हम रिडीम करने जाते हैं तो पूरे ट्रैफिक एक बार आने के कारण वेबसाइट पूरी तरह से क्रैश हो जाता है, तो शायद इसलिए इन लोगों ने एक नया सर्वर बनाया है एंड उसके अंदर ये सारी चीज रिडीम वगैरह होने वाला है। एंड इसी को देख के भाई काफी सारे को लग रहा है कि हमारा जो इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश था ना, फिर से एक होने वाला है, सर्वर लिंक होने वाला। मैं बता रहा हूँ गाइस ऐसा भी ना कुछ भी नहीं होने वाला, हाँ हमारे ओल्ड फ्री फायर वाले यार है, लेकिन गाइस सर्वर लिंक की कहानी तो अभी तक पूरी तरह से फेक है, मतलब ऐसा कुछ भी अभी होने वाला है नहीं। एंड मैं बता रहा हूँ, देखो गाइस देखो ये सर्वर अलग क्यों हुआ था, देखो फ्री फायर का कहना था ना कि हमारा जो पिंग प्रॉब्लम है वो बेटर करने के लिए हम इन सर्वर को अलग कर रहे हैं, लेकिन गाइस ये सर्वर अलग होने के बाद भी पिंग प्रॉब्लम कहां सही हुआ भाई, वैसे कहता तो वैसे ही देखने को मिल जाता है, लेकिन मेन रीजन तो कुछ और ही था इन सर्वर को अलग करने के लिए। काफी सारे लोगों का कहना है, ये भी मानना है ना कि देखो हमारे उस टाइम पे फ्री फायर बैन हुआ था, तो उसका कहना था कि यार अगर बैन हो जाए इंडिया पे तो बाकी दो सर्वर पे तो गेम चलेगा ना, क्योंकि अगर गेम बैन होता है तो सर्वर भी डाउन कर दिया जाता है, एंड सर्वर को हम अलग कर दे तो अगर यहाँ का सर्वर अलग होता है तो भाई बाकी प्लेयर जो अलग सर्वर के हैं वो तो प्ले कर ही सकते हैं, इसकी वजह से ये अलग किया गया था। एंड दूसरा रीजन ये है ना, पहले इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश तीनों एक ही सर्वर पे प्ले करते थे, तो जब गरीना को कोई इवेंट लाना होता तो भाई देखो हमारे इंडिया पे कोई अलग इवेंट बनता, कोई अलग सा उत्सव, मतलब कोई भी फंक्शन होता तो अलग होता है, नेपाल में कुछ अलग होता है, बांग्लादेश में कुछ अलग होता। अब गरीना को अगर कोई इवेंट देना है उसी के रिलेटेड तो भाई तीनों का तीनों तो देना ही पड़ेगा ना, अगर हमारा देते हैं उसका नहीं देते हैं तो भाई वो लोग नाराज होंगे, एंड उन लोग का देते हैं अगर इंडिया का नहीं देते हैं तो भाई इंडिया वाले नाराज होंगे, तो लाना होगा तो सभी का, नहीं तो किसी का नहीं। और अगर इवेंट ना दे तो उसमें भी प्रॉब्लम, और दे तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर देंगे तीनों के तीनों इवेंट के सारे एक ही बार में तो सर्वर पे थोड़ा ज्यादा लोड पड़ेगा, तो इससे भी दिक्कत होने वाला है। इसी को देखते हुए इन सर्वर को अलग कर दिया गया ताकि गाइस तीनों को अच्छे से मैनेज किया जा सके, इंडिया में कोई इवेंट्स वगैरह कुछ सेलिब्रेट किया जाता है तो उसका इवेंट दिया जाए, एंड बांग्लादेश पे अलग एंड नेपाल पे अलग, तीनों के तीनों अलग हो जाएंगे तो इसे मैनेज करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, एंड इसकी वजह से ऐसा देखने को मिला था। तो ये रीजन तो मान के चल सकते हो, जो लोग बताते तो है नहीं बट इतना तो समझ में आता ही है रे। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल में इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश तीनों सर्वरों को लिंक करने का कोई भी ऑप्शन, मतलब ऐसा प्लान है नहीं। फ्री फायर ओल्ड वाला आ रहा है, हम उसे प्ले करेंगे खेलेंगे, बट कोई भी ऐसा प्लान है नहीं कि इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश तीनों सर्वर फिर से एक होने वाले। अगर हो जाते तो काफी अच्छी बात है गाइस, जो हमारे पुराने फ्रेंड थे अलग सर्वर पे वो भी फिर से एक साथ हो जाते हैं, खेलने में कुछ ज्यादा मजा आता। बट अफसोस अभी फिलहाल में तो ऐसा यार कुछ भी नहीं होने वाला, तो ऐसा ही चीज अगर कोई बोले तो यार पेक ही न्यूज दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब बताना गाइस तुम्हारे एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा किसके लिए बड़ी, ओल्ड फ्री फायर को लेके या फिर हमारा इंडस गेम के लिए इंडिया का, या फिर ये मुंबई का मैप को खेलने के लिए। भाई मैं सच बताऊं ना तो मैंने मुंबई का मैप जब से देखा है ना, मुझे एक्साइटेड तो हो रहा है कि मैं इस मैप को कब प्ले करूं भाई, मुझे ना इससे ज्यादा एक्साइटेड भाई उस वाले मैप के लिए हो रहा है फ्री फायर से ज्यादा। बट अभी देखते हैं, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्या करते हैं। सो आई होप गाइस तुमको ये वीडियो तुमको अच्छी लगेगी, सो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, काफी मेहनत लगी यार वीडियो बनाने में, तो एक लाइक कर देने आओगे, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना याद से गाइस। चलो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धमाकेदार के साथ एंड वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।